हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर 10 का नेताजी का चश्मा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम आपको देंगे। एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है ताकि आप सभी को जल्दी से याद हो जाए, तो इसको हम लिखकर भी दिए हैं और इसको हम समझा भी देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी जो चश्मा वाला था वो कोई ना ही फौजी था ना ही कोई सेना था, फिर भी लोग इसे कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहकर पुकारते थे क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त था। उसके अंदर देश के शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उस पर चश्मा लगा देता था। यानी सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहकर पुकारते थे, इसलिए उसको कैप्टन कहा जाता था क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त था। उसके अंदर देश के शहीदों के लिए शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। यानी देश के जो वीर थे, जो शहीद थे, उनके लिए उनका प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था। जब वो नेताजी का जो चेहरा जो देखते थे और उसमें जब चश्मा नहीं लगा देखे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो क्या करता था, उस पर चश्मा लगा देता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे कि ये जो इसको जो बोला गया है पागल, कैप्टन को पागल बोला पान वाले ने। किसने कहा? पान वाले ने, ठीक है। उसको क्या बोलता था? पागल कहकर पुकारता था कैप्टन को। तो इस बात को आपके मन में क्या प्रभाव पड़ा, कैसे लगा, क्या ये बोलना उचित है, इसको आपको लिखने होगा, ठीक है। एकदम सरल भाषा में यहाँ पर हम उत्तर लिख दिए हैं। पान वाले के द्वारा कैप्टन को लंगड़ा कहना बिल्कुल अनुचित है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके कार्य से आंकना चाहिए। किसी का भी चेहरा देखकर, उसका रंग रूप देखकर वो कैसा आदमी है ये नहीं हम लोगों को देखना चाहिए, बल्कि उसका काम को देखना चाहिए। कैप्टन शरीर से अक्षम था लेकिन उसके मन में शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। वो शरीर से अक्षम था, वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था लेकिन उसके मन में शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। पान वाले को पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगा देता है, वह इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति का पता चलता है। उसकी इस भावना को देखते हुए उसे भी सम्मान देना चाहिए, ना कि उसे पागल कहकर अपमान करना चाहिए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब देखिए इससे रिलेटेड
तीन क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको देंगे। पहला क्वेश्चन है, हलदर शाह पहले मायूस क्यों हो गए थे? आंसर देखिए, हलदर शाह को जब यह पता लगा कि चश्मे वाले की मृत्यु हो चुकी है, तब उन्हें लगा कि मूर्ति पर चश्मा ऐसा नहीं है, तब उन्हें लगा कि और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाएगा। यह सोचकर हलदर साहब मायूस हो गए। यानी हलदर साहब को जब ये पता चलता है कि चश्मे वाले का मृत्यु हो चुका है, तब उनको लगा कि उसका तो मृत्यु हो गया है, अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मूर्ति पर चश्मे, मतलब नेताजी के मूर्ति पर चश्मा चढ़ाएगा, और ये सोचकर वे मायूस हो गए थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खा नंबर देखिए क्वेश्चन, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उसके बाद जब पहले तो वो देखा कि मतलब वो सोच लिया था कि वो तो मर चुका है, जब उनको पता चला कि वो मर चुका है, तब उनको लगा कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाने वाला और कौन है, शायद कोई नहीं चढ़ाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर उनकी मूर्ति पर चढ़ा दिए थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मूर्ति पर जब सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखा तो क्या उम्मीद जगाता है? सरकंडे का चश्मा लगाना क्या उम्मीद जगाता है? देखिए उत्तर, चश्मे वाले की मृत्यु के अगले दिन हलदर साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा चढ़ा हुआ है। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि अभी भी इस देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने शहीदों का सम्मान करना जानते हैं। अबका नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हलदर साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? चलिए आंसर देखते हैं। हलदर साहब ने जब देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया हुआ है, तब उन्हें महसूस हुआ कि वर्तमान पीढ़ी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान की भावना है, तो उन्हें अपने पहले की सोच पर ग्लानि हुई और वे भावुक हो उठे। यानी वो तो पहले बच्चों, पहले तो हलदर साहब जब पान वाले का मृत्यु का खबर सुना तो वो सोच लिया था मन में कि अब तो और नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं चढ़ाएगा। लेकिन जब हलदर साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया हुआ है, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनको लगा था कि कोई नहीं लगाएगा अब चश्मा, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, अभी भी वर्तमान पीढ़ी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसके मन में शहीदों के प्रति सम्मान की भावना है, और वो पहले जो ये ऐसे सोच लिया था, उस सोच पर अपना ग्लानि एहसास हुआ उनको और वो भावुक हो उठे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर का, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करें। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पान वाला सचमुच में एक पान का भंडार था, उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान ठूसा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था, यानी उसके मुंह पर, पान वाले के मुंह पर इतना ज़्यादा पान ठूसा रहता था कि उसको बात करने में भी दिक्कत होती थी। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे मुड़ कर थूकना पड़ता था। यानी पान जो इतना वो खाता था, उसका मुंह में जो इतना पान ठूसा रहता था, इसलिए उसका मुंह पर पूरा थूक रहता था, और जब कोई उससे कुछ पूछ लेता था, उसको जवाब देना है, तो क्या करता था, पीछे मुड़कर पहले वो थूक को फेंकता था, फिर उसके साथ बात करता था, जवाब देता था। वो काले रंग का मोटा तोंद वाला व्यक्ति था, यानी वो जो पान वाला जो था वो क्या था, मोटा मोटा सा था, और उसका
तोन निकला हुआ था, ठीक है, वो काले रंग का था। जब वो हंसता था तो उसके लाल काले दांत चमकने लगते थे, उनकी तोन भी थिरकने लगते थे। और वो जब हंसता था, उसका तो तोन निकला हुआ था, तो जब वो हंसता था तब क्या होता था, उसका तोन हिलने लगता था, उसी को लिखा हुआ है थिरकने लगते थे। वो बातें बनाने में उस्ताद था, स्वभाव से वो बहुत रशिया, हंसोड़ और मजाकिया था। ठीक है, ये पान वाले का जो उसके बारे में बताया गया है, बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस कथन का आशय यह है कि वर्तमान पीढ़ी के मन में अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना समाप्त हो गई है। जिन लोगों ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वे लोग समाज के सम्मान के पात्र हैं जिन्होंने अपने जान का परवाह ना करके देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। सचमुच वो सम्मानीय पात्र है, हंसी के नहीं। ऐसे करके फिर से वे अपने लिए गुलामी के पथ प्रशस्त करते हैं। ऐसा करना अनुचित है। हमारे देश के वीरों के लिए, शहीदों के लिए हमारे मन में दिल से उनके प्रति प्रेम रखने होगा, सम्मान रखने होगा। उनका आदर करने योग्य व्यक्ति है, उनका आदर करना चाहिए। नहीं तो फिर से जैसे हमारे देश गुलामी में थे वैसे ही हो जाएंगे। हमारे देश के प्रति, हमारे वीरों के प्रति, हमारे शहीदों के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। जो लोग बलिदानियों का सम्मान करना नहीं जानते, उनका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके और सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।